हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक थर्ड वेव, प्रसिद्ध पुस्तक दी थर्ड वेव का लेखक कौन है? एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर थर्ड वेव पुस्तक का लेखक है। यह 1980 में इनके द्वारा रचना की गई थी। यह फ्यूचर शॉक की अगली कड़ी है। थर्ड वेव के पब्लिशर बंटम बुक यूएस है। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का जनक कौन है? कॉनराड गेसनर। ग्रंथ सूची अर्थात बिब्लियोग्राफी ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से निकला है। इसके जनक कॉनराड गेसनर हैं, जो स्विट्जरलैंड निवासी हैं। ग्रंथ सूची से तात्पर्य पुस्तकों और प्रलेखों की व्यवस्थित सूची से है, जो पाठक को प्रलेखों तक पहुंच के लिए कुंजी का कार्य करती है। इसका कार्य किसी विषय पर जानकारी उपलब्ध करवाना है। हु यूज द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किसने किया? जारकोवस्की जो है पहली बार सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किया था। इन विच ईयर आरडीए वाज पब्लिश्ड, आरडीए अर्थात रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, वर्णात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक है, जिसे जून 2010 में जारी किया गया था। यह ग्रंथ सूची डेटा तैयार करने पर निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करता है। संग्रहालयों और अभिलेखागार जैसे पुस्तकालयों और अन्य सांस्कृतिक संगठनों द्वारा उपयोग के लिए आरडीए एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स दूसरा संस्करण AACR2 का उत्तराधिकारी है। चैप्टर 10 ऑफ AACR2 डील्स विद, AACR2 का अध्याय 10 किससे संबंधित है? थ्री डायमेंशनल आर्टिफैक्ट्स। AACR2 का अध्याय 10 तीन आयामी कलाकृतियों से संबंधित है। अध्याय 9 मशीन पठनीय डेटाबेस से संबंधित है। अध्याय 8 ग्राफिक सामग्री से संबंधित है। अध्याय 6 ध्वनि रिकॉर्डिंग से संबंधित है। हु हैज क्वाइंड द टर्म डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया? पॉल मैरिन गैसलैंड ऑटलेट इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 23 अगस्त 1868 में हुआ था। ये बेल्जियम के एक लेखक, उद्यमी, वकील और सत शांति कार्यकर्ता थे। ये कई लोगों में से एक हैं जिन्हें सूचना विज्ञान का जनक माना जाता है, जिसे उन्होंने प्रलेखन कहा। ऑटलेट ने यूडीसी बनाया, जो कि मुखरित वर्गीकरण के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है। दे फार्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विद, फार्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? लाइब्रेरी कॉरपोरेशन। फार्मिंगटन प्लान को अमेरिकी अनुसंधान पुस्तकालयों द्वारा विकसित किया गया था, ताकि दुनिया भर में युद्ध या अन्य घटनाओं की परवाह किए बिना अनुसंधान सामग्री और प्रकाशनों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। योजना ने क्षेत्र और विषय द्वारा विदेशी सामग्रियों के लिए एक सहकारी अधिग्रहण कार्यक्रम बनाया था। फॉरिंगटन योजना हार्वर्ड कॉलेज लाइब्रेरी में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय से निर्देशित की गई थी। कार्यालय को शुरुआत में न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन और बाद में हार्वर्ड कॉलेज लाइब्रेरी द्वारा समर्थित किया गया था। फेयर यूज इज ए टर्म मोस्ट रिलीवेंट टू,
फेयर यूज शब्द किससे सर्वाधिक संबंधित है? कॉपीराइट। यह कॉपीराइट से संबंध रखता है। इसके सबसे सामान्य अर्थ में एक उचित उपयोग एक सीमित और परिवर्तनकारी उद्देश्य के लिए की गई कॉपीराइट सामग्रियों की नकल है, जैसे कि किसी टिप्पणी पर टिप्पणी करना, आलोचना करना या पैरोडी करना। ऐसे उपयोग कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना किए जा सकते हैं, जिसको फेयर यूज कहते हैं। इसके लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। पीओपी पॉप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है जो ईमेल संचार के पीछे प्राथमिक प्रोटोकॉल है। यह एक सपोर्टिंग ईमेल सॉफ्टवेयर क्लाइंट के माध्यम से काम करता है, जो पीओपी को दूरस्थ ईमेल सर्वर से कनेक्ट करने और प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर मशीन को ईमेल संदेश डाउनलोड करने के लिए एकीकृत करता है। पीओपी नेटवर्क कनेक्शन के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक का उपयोग करता है और एंड टू एंड ईमेल संचार के लिए सरल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी के साथ काम करता है। प्रेजेंटली वेब ऑफ साइंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ कार्ली वैट। वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसका उत्पाद है? तो वेब ऑफ साइंस एक ऐसी वेबसाइट है जो कई डेटाबेस के लिए सदस्यता आधारित पहुंच प्रदान करती है, जो कई अलग अलग शैक्षणिक विषयों के लिए व्यापक उद्धरण डेटा प्रदान करती है। यह मूल रूप से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन द्वारा निर्मित किया गया था। वर्तमान में कैरीवेट एनालिसिस द्वारा बनाए रखा गया है। नेक्स्ट, मिलियन बुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय। द मिलियन बुक प्रोजेक्ट 2007-2008 से कार्नेगी मिलियन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के नेतृत्व में एक पुस्तक डिजिटलीकरण परियोजना थी। भारत में सरकारी और अनुसंधान साझेदारी और चीन के साथ काम करते हुए यह परियोजना ने कई भाषाओं में पुस्तकों को स्कैन किया, ओसीआर का उपयोग करके पुनः 8 पाठ खोज को सक्षम किया और वेब पर पुस्तकों को मुफ्त में पढ़ने की सुविधा प्रदान की। Who hold the copyright of the Five Laws of Library Science reprinted in 2006 में पुनर्मुद्रित पुस्तक Five Laws of Library Science का कॉपीराइट किसके पास है? SRELS, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, SRELS के पास है। इसकी स्थापना शिवानी रामामृत रंगनाथन के द्वारा किया गया था। 2006 में पुनर्मुद्रित पुस्तक फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की कॉपीराइट इसी के पास है। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को पुस्तक के रूप में पहला प्रकाशन 1931 में हुआ था। मैं कई बार फाइव लॉ को बता चुका हूँ, पुनः एक बार बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट लॉ है पुस्तक के उपयोग के लिए है। सेकंड लॉ, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड लॉ, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। फोर्थ लॉ, पाठक का समय बचाए।
एवं फिफ्थ लॉ पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ डेसी डॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेसी डॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता क्या है? यह बाय मंथली है। DGLIT अर्थात उसी का नाम डेसी लॉक है जो जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अंतरराष्ट्रीय पीयर रिव्यू ओपन एक्सेस जर्नल है जो लाइब्रेरी ऑफ सूचना विज्ञान पर लागू होने के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी में हाल के घटनाक्रमों को लाने का प्रयास करता है। यह लाइब्रेरियन प्रलेखन और सूचना पेशेवरों शोधकर्ताओं छात्रों और क्षेत्र में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए है। यह द्विमासिक रूप से प्रकाशित होता है। इससे पहले आईडी डेसी डॉक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। नेम ऑफ द ऑनलाइन वर्सन ऑफ एमसी ग्रियो हिल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस साइंस। मैकग्रॉ हिल एनसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन संस्करण का नाम बताएं। द मैकग्रॉ हिल एनसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन संस्करण का नाम एक्सेस साइंस है। एक्सेस साइंस एक आधिकारिक और गतिशील ऑनलाइन संसाधन है जिसमें सभी प्रमुख वैज्ञानिक विषयों को कवर करते हुए लगातार उच्च गुणवत्ता वाली संदर्भ सामग्री होती है। यह प्राथमिक अनुसंधान सामग्री वीडियो और अन्य एनिमेशन के लिए लिंक प्रदान करता है। एक्सेस साइंस लगातार उन तरीकों का विस्तार कर रहा है जो कोट भरोसेमंद वैज्ञानिक जानकारी को प्रदर्शित और व्याख्या कर सकता है जो उपयोगकर्ताओं को गहन ज्ञान के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहां से प्रकाशित होता है? यह लंदन से प्रकाशित होता है। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों पर एक आधिकारिक संदर्भ कार्य है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक ऑनलाइन संस्करण है। द क्लासिक रेफरेंस टेक्स्ट इन प्रिंट का द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक वार्षिक प्रकाशन है जो 1947 में शुरू हुआ और विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों की जानकारी और डेटा के लिए सबसे आधिकारिक स्रोतों में से एक बना हुआ है। इसके निर्माता रूटलेज टेलर और फ्रांसिस ग्रोप रूटलेज टॉलर एंड फ्रांसिक ग्रुप है। एन फ्लेबनेट न्यूज सेल्टर स्टार्टेड इट्स पब्लिशिंग फ्रॉम। यह 1995 से प्रकाशित होता है। इनफ्लिपनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1991 में की गई थी। यह भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। यह UGC द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय परिसर अहमदाबाद में अपने हेडक्वार्टर के साथ किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। प्रारंभ में IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के तहत एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया। यह जून 1996 में एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। इसके वर्तमान डायरेक्टर प्रोफेसर JP सिंह हैं। इन फ्लिपनेट ने न्यू सेल्टर का प्रकाशन प्रथम संस्करण 1995 में त्रैमासिक रूप से शुरू किया था। वर्तमान समय तक इसके 26वें वॉल्यूम के खंड तक प्रकाशित किए जा चुके हैं।
हॉर्निक्स शेड्यूल इज रिलेटेड टू विच क्लासिफिकेशन स्कीम? डीडीसी। हॉर्निक्स शेड्यूल का प्रथम प्रयोग डीडीसी के 16वें संस्करण में किया गया था। यह डीडीसी को अप टू डेट करने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इन विच ईयर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्टेड स्टार्टेड पब्लिशिंग? किस वर्ष इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन शुरू हुआ? 1965। निस्केयर अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज 30 सितंबर 2002 को राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान निस्कॉम और इंसडॉक भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के विलय के साथ अस्तित्व में आया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल? पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन है? ए जे वॉलफोर्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज क्लॉड इज? भारत सरकार का क्लॉड है मेघराज। क्लॉड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल जीआई क्लाइड को शुरू किया, जिसे मेघराज नाम दिया गया। इस पहल का फोकस सरकार के आईटीसी खर्च को अनुकूलित करते हुए देश में ई सेवाओं के वितरण में तेजी लाना है। यदि आप न्यू विजिटर हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर ऑल पर नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके और आप इसे देख सके। कृपया आप अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।